हेलो बच्चों, कैसे आप बच्चों? अब आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, तो आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करें और जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करें, और आपके जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको बार बार लगाने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आप रिपीट करें, और कॉन्सेप्ट जो है आपका उसको मेन रूप से आप तैयार कर लें, ताकि अब काफ़ी समय नहीं है आपके पास, बहुत ही कम समय बचा है, तो अब आप अपनी पढ़ाई को खूब मन से लगाएं, खूब मन से करें। देखिए बच्चों, आज केमिस्ट्री 12 में सॉल्यूशन में से कुछ न्यूमेरिकल लिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उससे तो पहले कुछ बता ही दिया गया था। आज जो है आपके लिए जो वीडियो है वह है विलयन की मॉडल का। आपको निकालना होगा विलयन की मोलता। मोलता भी ज्ञात करने के लिए आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसके कैसे पूछे जाते हैं, क्या है तो विलयन की मोलता क्या होती है, मोलैलिटी आप मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोलता। मोलता किसे कहते हैं? एक तो मोलता जानने के लिए देखिए, 1 किलोग्राम विलायक, अगर आपके 1 किलोग्राम विलायक में विलयन जितने भी विलेय के मोल की संख्या होती है उसे विलयन की मोलता कहते हैं। तो इसको लिखिए, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की क्या कहलाती है? मोलता कहलाती है। क्लियर? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलता कहलाती है। क्लियर? तो इसका सूत्र बना, विलयन की मोलरता बराबर क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें? ग्राम में गुणे 1000। यह सूत्र है आपका। यह सूत्र है आपका किसका? विलयन की मोलता। यह सूत्र अगर आपको याद है तो आप मोलता से कोई भी क्वेश्चन चुकेंगे नहीं, और आप इसको सटीक आंसर दे सकते हैं कम समय में, और अच्छे ढंग से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम आपका विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? उस विलयन का मोलता कहते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे तो यहां पर आप निकाल सकते हैं विलयन की मोलता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या आपको पता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जहां भी मोल की संख्या होगी वहां भार बटे अणुभार आपको देना होगा। तो
तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, ये आप न्यूमेरिकल लगा देंगे या सूत्र रख देंगे तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, देखिए किस तरह से है। एक न्यूमेरिकल लिखिए, लिखा है इसको जल्दी से नोट कर लो, मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करो, लिखा है 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है, NaOH को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है। ठीक है, एक आपका ब्लेन है मतलब 10 ग्राम का NaOH है, ये आपको किसमें 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है, तो ब्लेन की मोललता ज्ञात कीजिए, तो ब्लेन की मोललता ज्ञात कीजिए, ब्लेन की मोललता ज्ञात कीजिए, यह आपका सवाल क्वेश्चन है आपका। क्या बताया गया कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है, तो ब्लेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि 10 ग्राम NaOH अर्थात ये विलेय है और 500 ग्राम जल है यानी ये विलायक है, विलेय कौन है, ये आपका यहां से यहां तक जो है आपका यह आपका विलायक है, क्या है, विलायक है। ठीक है, और ये आपका क्या है, विलेय है, ये आपका विलेय है और ये आपका क्या है, विलायक है। तो आपका सूत्र क्या है, लिखिए आपको क्या ज्ञात करना है, ब्लेन की मोललता। चलिए लिखिए, तो मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें ग्राम में गुणे 1000। तो सूत्र पर रख दीजिए, देखिए इसमें विलेय कौन है, ये NaOH, तो देखो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्लियर? तो भार आपका कितना है, विलेय का भार 10 ग्राम और इसका अणुभार आप ज्ञात कर लें, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए इसके सभी के अणुओं को जोड़ दीजिए आप, जैसे Na का कितना है, Na का है आपका 23 और ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितना है 1, देख लो छाती 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हुआ 40, इसका अणुभार कितना हुआ 40। आप इसको सॉल्व करें, 10 से कम 10, 10 चौको 40, अब 1 को 4 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.025 होगा, नहीं, अरे भाई 4 से 1 को भाग देंगे तो आएगा 0.25।
ये क्या हुआ, ब्लेन के मोलों की संख्या। अब आप इसको रख दें, ब्लेन के मोलों का बराबर, ब्लेन की मोललता बराबर, मोललता बराबर आप रहे, तो ब्लेन के मोलों की संख्या आपने निकाल लिया कितना 0.25 बटे बिलाय का भार कितना है 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम, घोड़े कितना करना है 1000, बस हो गया ना आपका। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो कितना आता है, देखिए आपका 1000 यहाँ है, 0.25 यहाँ, तो इससे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 बटे, अरे भाई जब किसी भी दशमलव संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो 0.1 अंक दाई तरफ हटेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 तरफ, दो तरफ 0.2 अंक दाई तरफ हटेगा, अगर 3 से गुणा यानी 1000 से गुणा करते हैं यानी जितने भी जीरो होंगे उतने जीरो से अगर गुणा कर रहे हैं तो 0.2 दाई तरफ हटेगा। भाग करने में विधि इसकी उल्टी होती है, अगर किसी दशमलव संख्या को 10 से भाग देते हैं तो 0.22 तरफ हटेगा, जितनी संख्या में दशमलव जीरो होगा उतनी संख्या में 0.22 तरफ हटेगा, ठीक है ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 0.2 अंक पर था तो 1, 2, 3, 1000 से गुणा किया तो 0.2 कहाँ चला जाएगा 3 अंक पर, तो यहाँ पर 1.2 का दिया गया यहाँ पर, यानी 250 हो गया बटे आपका कितना है 500, तो 250 गुना 500 ये आया 1/2, कितना आया 1/2। अब 2 को 1 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए 1 को, जाएगा नहीं 0.05 यानी आया आपका कितना आया 0.5, क्या आया 0.5, ठीक है समझे नहीं, मोल प्रति किलोग्राम, मोल किलोग्राम मास, ये आपका आया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ब्लेन की मोललता निकाल सकते हैं। कोई भी चीज दिया हो उसमें आपको एक चीज सिर्फ जानना है कि कौन सा घटक इसमें मिले है, तो उस घटक के कौन सा घटक मिलाया गया है, तो जितना भार दिया रहेगा तो उसके भार और उस जो घटक है उसका अणुभार, तो भार बटे अणुभार आप कर देंगे तो मोल की संख्या निकल आएगी, तो मोल की संख्या को निकाल करके जो भी आपका विलायक जितना भी जिसमें आप जिसको घोलेंगे वो विलायक होगा, तो विलायक बटा विलायक करके 1000 से इसको गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और उत्तर आपके सामने होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें आशा है कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब आप इस सवाल का प्रैक्टिस करें, इस पर खूब नंबर लगाएं और मैं आपके लिए अगला वीडियो ला रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।